हेलो पीपल, आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरी प्रोज टेक्स्ट जिसका नाम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेटिक आइडियल्स। ये लिया गया है जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स से। सेक्शंस 1 to 6 हम पढ़ेंगे इसके अंदर। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट अगर हम करते हैं तो इसके अंदर हमें पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म क्या होता है? एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज किया जाए, जो लोग सब कुछ त्याग के एक तरह की पीस मोक्ष के लिए अभी से अपने ह्यूमन लाइफ में काम करते हैं। ऐसे काम करना जिसमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिनायल होना चाहिए। कुछ भी अगर आपको लगता है कि वर्ल्डली प्लेजर है तो आप उसको तो त्याग के आगे बढ़ते हो और अपनी एक सादी और ऐसी जिंदगी जीते हो जिसमें किसी भी तरह का प्लेजर या लग्जरी इंक्लूड नहीं होती। ये होता है एसेटिसिज्म। तो हम इस बुक थर्ड में जो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेटिक आइडियल्स, हम यही पढ़ेंगे कि कैसे एसेटिसिज्म हमारी डेली लाइफ, हमारी ह्यूमन वैल्यूज और हमारी मोरालिटी को इफेक्ट करता है। तो लेटेस्ट बिगिन बहुत ही इजी 6 पॉइंट्स में हम पूरी रीडिंग को कवर करेंगे। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ एसेटिसिज्म। हमें ये देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, एसेटिसिज्म की ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये प्रीस्टली क्लास से स्टार्ट हुआ, जब से ये हमारे लोग जिन्होंने साधना करनी स्टार्ट करी, जो प्रीस्ट बने, उनसे ही हमारी ये साइकोलॉजिकल नीड बन गई कि आफ्टर लाइफ में पीस लेने के लिए, आफ्टर लाइफ में मोक्ष पाने के लिए अभी से ही सफरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? प्रीस्टली क्लास से, बिल्कुल ही बिगिनिंग से, जब से लोग हमारे प्रीस्ट बन गए, उन्होंने साधना करनी शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ एसेटिसिज्म, अब क्या फायदा है, क्या क्यों किया जाता है एसेटिसिज्म, क्यों लोग एसेटिक आइडियल्स को फॉलो करते हैं? तो इफ आई से इट इज अ वे फॉर इंडिविजुअल्स टू गेन अ सेंस ऑफ पावर एंड कंट्रोल ओवर देयर सफरिंग। जिस भी तरह की उनकी सफरिंग हो रही हो, मेंटल सफरिंग है या उनकी फिजिकल सफरिंग है, कुछ पेन है या कुछ लाइफ में ऐसा है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो उससे बाहर निकलने का तरीका एसेटिसिज्म को दे पाते हैं। ऐसा तरीका जिससे उनका माइंड शांत हो जाता है, काम हो जाता है। इसी एसेटिक आइडियल्स को फॉलो करने से उनकी लाइफ पीस में जाती है। तो एसेटिसिज्म का पर्पस क्या हो गया यहाँ पे? एक ऐसी लाइफ जिसमें से सफरिंग हट जाए, सफरिंग करने की वजह से, क्योंकि उनको सारे प्लेजर्स त्यागने पड़ेंगे, सारी लग्जरीज त्यागनी पड़ेंगी, इसी तरह की सफरिंग है। वो सफरिंग करने से उनकी दूसरी मेंटल और फिजिकल सफरिंग्स का एंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एसेटिक प्रैक्टिसेस। तो अभी एसेटिक प्रैक्टिसेस में कौन कौन से काम आते हैं? पहला आता है सेल्फ डिनायल। जैसे कि आपका मन करता है कुछ अच्छा खाने का या कुछ कहीं घूमने जाने का, तो ऐसी लग्जरीज को त्याग देना। आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए कि आप अपने आप को मना कर सको कि आपको इस राह पे नहीं जाना है। अगला है सेल्फ डिसिप्लिन। आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग ये स्केड्यूल फॉलो करना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन का वे होना चाहिए। एंड सप्रेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, आपको एकदम भी किसी भी चीज पे रिएक्ट नहीं करना है। योर इंस्टिंक्ट शुड बी सप्रेस्ड। एकदम गुस्सा नहीं करना है, एकदम खुशी व्यक्त नहीं करनी है। तो सप्रेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, ये होती है हमारी कुछ एसेटिक प्रैक्टिसेस। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें चौथे पॉइंट की तरफ, क्रिटिक ऑफ एसेटिसिज्म। जिन लोगों ने क्रिटिसिज्म एसेटिसिज्म पे अपना क्रिटिसिज्म दिया है, उनका कहना ये है कि एसेटिसिज्म टेम्प्रेरी रिलीफ देता है, ऐसा रिलीफ जो जब तक चलेगा जब तक आप इन आइडियल्स को फॉलो कर रहे होंगे, और जैसे ही आप रुक जाएंगे आपका वो रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। उनका कहना, जो क्रिटिसाइजर्स हैं इसके, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये तो लाइफ डिनाइंग है। जो लाइफ आपको दी गई है आप उसी से मुंह मोड़ रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को डीवैल्यू कर दिया है। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो आप। और आप क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो? आपकी आफ्टर लाइफ को। तो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस को पीछे रखते हुए आप अपनी आफ्टर लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ये इससे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या ही होगा कि प्रेजेंट में ना जी के
आप फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो, डी वैल्यू कर रहे हो उसके लग्जरीज और प्लेजर्स जो आपको अवेलेबल हैं उनसे आप पीछे हट रहे हो। तो ये हमारा क्रिटिक ऑफ एसेटिज्म हो गया। मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन मोरालिटी, डीवैल्यूएशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ सफरिंग। ये तो एक तरीके से बिल्कुल ही सब कुछ उलट पलट हो गया कि अगर आपको दुख हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है तो वो ग्लोरीफाई कर दिया गया है, क्योंकि एसेटिक आइडियल्स में आपको सफरिंग से ही आराम मिलता है। जैसे कि आपको अपना डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कोई भी लग्जरी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऐसी सफरिंग को ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि ये एसेटिसिज्म है। और जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं जिनसे आपको सुख मिलता है, आपको प्लेजर मिलता है, उनको डी वैल्यू कर दिया गया है। तो मोरालिटी के टर्म्स बिल्कुल फ्लिप कर दिए गए हैं। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, इट इज एसेटिक प्रीस्टहुड पावर। अब क्या है, जो प्रीस्ट हैं, जो हमारे बीच के मीडिएटर्स बन के बैठे हुए हैं गॉड के, उनको बहुत सारा ओवर प्रमोट कर दिया गया है। अब वो प्रीस्ट क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं आप ऐसा करो, आप ये फॉलो करो, फॉलो दीज रिचुअल्स, और इन रिचुअल्स को फॉलो करने से आपको क्या होता है, आपको लगता है कि आपको भी आफ्टर लाइफ में सैल्वेशन मिल जाएगी। सैल्वेशन हियर मीन्स पीस मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट ये सब एक तरह का छलावा है। इट इज ऑल लाइक आपको ऐसी जगह पे धकेला जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। तो दिस इज एसेटिक प्रीस्टहुड पावर। तो हमने इस पूरे प्रोस्टेक्स्ट को कवर कर लिया है इन 6 पॉइंट्स में। इफ यू वांट अ मोर डिटेल्ड वीडियो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।